जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह ने कहा है कि 10 मार्च को होने वाली सामान्य निर्वाचन 2022 की मतगणना की सभी तैयारियां जोर शोर से जारी हैं। जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह कलेक्ट्रेट सभागार में सिटी चैनल संवाददाता से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जिस तरह शांतिपूर्ण, निष्पक्ष, भयमुक्त एवं पारदर्शिता के साथ मतदान संपन्न कराया गया है, उसी तरह मतगणना का कार्य भी अंजाम दिया जाएगा। जिलाधिकारी ने सभी प्रत्याशियों से ये भी अपील की है कि वे मतगणना एजेंट के कार्ड समय से बनवा लें। मतगणना एजेंट के लिए वैक्सीनेशन कराना जरूरी होगा। सिटी चैनल संवाददाता से बात करते हुए जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह ने आगे कहा, देखिए 10 मार्च को हमारे यहाँ मतगणना संपन्न होनी है। सभी हमारी जो ईवीएम मशीनें हैं वो ऑलरेडी स्ट्रांग रूम में रखी हुई हैं और उसकी सुरक्षा के लिए सीपीएमएफ लगाई गई है और उसके राउंड द क्लॉक सुरक्षा के लिए मजिस्ट्रेट भी लगाए गए हैं। 10 तारीख को प्रातः 8 बजे से हमारी मतगणना शुरू होगी। हर विधानसभा की मतगणना दो हाल जो परस्पर एडजॉइनिंग होंगे, पास पास होंगे, दो हालों में होंगे और एक हाल में 7 टेबी लगाई जाएंगी जिसमें ईवीएम काउंट होगी। इसके अलावा हमारे जो पोस्टल बैलेट हैं उसको काउंट करने के लिए पोस्टल बैलेट की संख्या के हिसाब से कहीं एक, कहीं दो, कहीं तीन टेबल, जैसे विधानसभा के पोस्टल बैलेट की संख्या है उसके हिसाब से लगाए जा रहे हैं। तो ये सारा 8 बजे से जब हमारी मतगणना शुरू होगी सबसे पहले पोस्टल बैलेट गिने जाएंगे और ठीक 8:30 बजे से पोस्टल बैलेट भी चलता रहेगा, बाकी मतपत्र भी हमारा जो कंट्रोल यूनिट है उससे भी काउंटिंग शुरू हो जाएगी। तो हम लोग उम्मीद करते हैं कि लगभग 10 बजे तक काफ़ी हद तक रुझान सामने, जनता के सामने होगा और पूरी काउंटिंग के लिए जो हम लोगों ने पूरी व्यवस्था की है कि जो हमारे इलेक्शन काउंटिंग एजेंट होंगे उनके आने की अलग व्यवस्था है, जो कर्मी रहेंगे वो अलग गेट से प्रवेश करेंगे, ईवीएम मशीनों के लिए बिल्कुल सेपरेट रूट रखा गया है जिससे किसी तरह के मिक्सिंग ना होने पाए। तो हम लोग ऑलरेडी पूरी व्यवस्था कर रहे हैं और हमारे सीडीओ साहब के नेतृत्व में जो हमारे काउंटिंग कर्मी लगेंगे उनके प्रशिक्षण की भी व्यवस्था की जा रही है। 2 राउंड उनका प्रशिक्षण कराया जा रहा है जिससे पूरी तरह से ये व्यवस्था सुचारू रूप से चले। और मैं सभी जो कैंडिडेट्स हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं उन लोगों से भी अपील करूँगा कि अपने काउंटिंग एजेंट जो है अभी से नियत कर दें जिससे उनको किसी तरह की असुविधा बाद में ना हो। और पोल डे पे सभी हमारे जितने भी कैंडिडेट थे सबका बहुत ज़्यादा हमें सहयोग मिला। हम उम्मीद करते हैं कि काउंटिंग में भी इसी तरह का हमें सभी लोगों का सहयोग प्राप्त। काउंटिंग एजेंट के लिए वैक्सीनेशन की अनिवार्यता है अभी भी? निश्चित रूप से उसके लिए है कि दोनों डोज वैक्सीनेशन लिए होना चाहिए और अगर वैक्सीनेशन नहीं लिया है तो 24 घंटे के अंदर का सर्टिफिकेट होना चाहिए कोविड निगेटिव।